गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में चैप्टर 6 कर रहे थे, स्केयर एंड स्केयर रूट्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें क्या करना है, जो ये नंबर्स दे रखे हैं इसका स्केयर निकालना है, वो भी विदाउट मल्टीप्लाई करें, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। स्केयर क्या होता है, जैसे 32 है इसका स्केयर, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 2 times। वो कह रहा है कि आपको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, किसी और मेथड से इसका स्केयर निकालना है। ध्यान से देखना किस टाइप से करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका 32 का हमें क्या करना है, स्केयर करना है। अब इसके अंदर फैक्टर बना दो, इसको क्या लिख सकते हैं, टुकड़े कर दो। 32 को लिख सकते हैं हम 30 plus 2, और इसका क्या हो गया, होल स्केयर। अब इसे लिख दो 2 times 30 plus 2 इंटू में 30 plus 2। अब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वैसे डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, इस मेथड से करना है। पहले अंदर वाले के क्या कर लेने हैं, फैक्टर बना लेने हैं, टुकड़े बना लेने हैं, फिर उसको 2 times लिखना है। अब फर्स्ट वाले को इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले को इस पूरे से मल्टीप्लाई। पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, तो 30 इंटू में 30 plus 2, फिर प्लस 2 से करेंगे 30 plus 2। अब करो यहाँ पे 30 को 30 से किया 900, दोनों प्लस किए तो प्लस प्लस प्लस। 30 को 2 से किया 60, प्लस में 2 को 60, 30 से किया 60, यहाँ भी प्लस और 2 times 4। अब इन्हें प्लस करो, प्लस करके क्या बन जाएगा, 4 6 और 6 12 9 9 और 1 10। तो आपका इसका स्केयर रूट क्या आ गया, 1224। आप लोग इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखना तो भी इसका यही आएगा। उसने बोला था कि विदाउट, मतलब डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी, इस मेथड से करना है। क्या करना है, सबसे पहले जो जिसका भी स्केयर करना है उसके फैक्टर बना देने हैं। पावर कितनी है, 211 पावर में कर लेना है, फिर फर्स्ट वाले का इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड वाले की इस पूरे से मल्टीप्लाई। अब जैसे सेकेंड पार्ट है 35, इसका भी क्या करना है, आपको स्केयर करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 30 plus 5, और पूरे का क्या है, होल स्केयर। कितनी पावर है, 2 times, तो 1 times कर दें, 30 plus 5 इंटू में 30 plus 5। करो यहाँ पे, अब 30 की पहले करेंगे इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो 30 इंटू में 30 plus 5 प्लस 5 इंटू में 30 plus 5। अब 30 को 30 से किया 900, 30 को 5 से किया 150, फिर प्लस 5 को 30 से किया 150, 5 5 जा 25। अब इसका प्लस करो, 5 7 7 और 5 12 1 2 3, और ये कितना हो गया, 12। और आप लोग 35 का वैसे भी डायरेक्ट स्केयर करके देखना, तो 1225 आएगा। इसके बाद मैं आपको फिफ्थ पार्ट करवा रही हूँ। फिफ्थ पार्ट क्या है, 71, इसका क्या करना है, हमें स्केयर करना है। 71 मतलब 70 plus 1 का होल स्केयर, लिख सकते हैं इसे ये। अब ये 2 power है, तो 1 times कर ले, 70 plus 1 इंटू में 70 plus 1। अब क्या करेंगे, 70 को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1 से। पहले 70 को करें, 70 इंटू में 70 plus 1, प्लस में 1 इंटू में 70 plus 1, क्या बन गया, अब आपका 70 को 70 से किया तो 4900, प्लस में 70 को 1 से किया 70, अब 1 को 70 से किया 70, और 1 को 1 से किया तो 1। अब प्लस करें इनका, क्या आ जाएगा, 1 7 और 7 14 1 10 और 4 और 1 5, तो 71 का होल स्केयर क्या आ गया, स्केयर क्या आ गया, 5041। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। हमें क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने हैं, जिसमें से हमें एक वन मेंबर क्या दे रखा है, गिवन है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जहाँ पे भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना होता है, मतलब क्या क्या निकालने होते हैं, 2m, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1, ये होते हैं आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
इसका एक मेंबर हमें गिवन है, हम उसे इसके इक्वल रखेंगे और वहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। जो आपकी m की वैल्यू आएगी अदर टू में पुट करोगे तो आपके तीनों क्या आ जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाएंगे। ठीक है, तो वन मेंबर हमें गिवन है तो वो हम ले लेते हैं कि हमें 2m दे रखे हैं, तो 2m इक्वल में क्या लिखे चल पड़े 6। यहाँ से m की वैल्यू निकालें, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में, तो आपका यहाँ पे m क्या आ गया 3 आ गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं, 2m, एम स्क्वेयर माइनस 1, एम स्क्वेयर प्लस 1। इनमें से एक मेंबर हमें गिवन है, उसे हम फर्स्ट वाले के इक्वल लेके चल के वहाँ से m की वैल्यू निकाली, जो m की वैल्यू आई अदर टू में पुट कर देंगे तो आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट आ जाएंगे। m क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब करो यहाँ पे पुट एम स्क्वेयर माइनस 1, तो m क्या है 3, 3 का स्क्वेयर माइनस 1, 3 का स्क्वेयर क्या हो गया 9, तो 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम स्क्वेयर प्लस 1, करो अब यहाँ पे पुट, m की वैल्यू क्या है आपकी 3, तो 3 का स्क्वेयर प्लस 1, तो 3 का स्क्वेयर क्या हो गया 9 प्लस 1 कितना आ गया 10, तो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गए, फर्स्ट वाला तो हमें गिवन ही था 6, हमने बाकी जो निकाले 8 और 10, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या आ गए 6, 8 और 10। ऐसे ही आपको सिमिलर सेकेंड पार्ट भी दे रखा है, क्या गिवन है 14 गिवन है, मतलब हम क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते कौन कौन से हैं 2m, एम स्क्वेयर माइनस 1, एम स्क्वेयर प्लस 1, फर्स्ट वाला गिवन है, तो कोई भी उसने ऐसे नहीं बोल रखा कि फर्स्ट वाला ही गिवन है, ऐसे बोल रखा है वन मेंबर दे रखा है, तो जो इजी लगे उसी को लेके चलना है। अब सबसे सिंपल यहाँ पे 2m है तो उसको 2m के इक्वल ही लेके चलो। ठीक है, तो 2m इक्वल में 14, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 14 बाई 2 क्या आ गया आपका 7, तो m किसके इक्वल आ गया 7 के इक्वल आ गया, तो m की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर दो एम स्क्वेयर माइनस 1, तो m की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वेयर माइनस 1, 7 का स्क्वेयर क्या होता है 49, तो 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना माइनस 1, तो 49 माइनस 1 कितना आ गया 48। नेक्स्ट क्या है आपका एम स्क्वेयर प्लस 1, एम की वैल्यू क्या है आपकी 7, 7 का स्क्वेयर प्लस 1, तो 7 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 49 प्लस 1, तो 49 प्लस 1 कितना होता है 50, तो आपके इसके अंदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या आ गए 14, 48 और 50। ऐसे ही आप थर्ड पार्ट कर लेना सेम एज इट इज़ है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 6.3। अभी तक हमने जो 6.2 तक किया है वहाँ पे हमने स्केयर निकालना सीखा था, अब हम यहाँ पे स्केयर रूट की बात करेंगे 6.3 में। सबसे पहले जो 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है किस टाइप से है, ध्यान से देखना, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्केयर रूट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोविंग नंबर। जो हमें नंबर दे रखे हैं उसकी वंस डिजिट का हमें स्केयर रूट बताना है क्या होगा, वंस मतलब यूनिट डिजिट। अब देखो लास्ट वाली यूनिट डिजिट है, पहले हम स्केयर चेक करते थे, अब क्या चेक करना है स्केयर रूट। स्केयर रूट क्या होता है, स्केयर का उल्टा होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये वंस, वन का स्केयर वन है, तो वन का स्केयर रूट क्या है 1, ये किसका स्केयर रूट है 2 का, ये किसका स्केयर रूट है 3 का। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें इसके अंदर चेक करना है, फर्स्ट पार्ट है 9801, भी लास्ट में ये किसका 1 है जो स्केयर रूट आया होगा। आप ध्यान से देखो लास्ट में 1 किस किसके आ रहा है, एक तो 1 का स्केयर करने पे आ रहा है और एक 9 के पे आ रहा है, तो ये जो 1 लास्ट में आया ये किसका स्केयर रूट हो गया 9 का और 1 का हो सकता है। सिर्फ हमें क्या चेक करना है, यूनिट डिजिट चेक करनी है और ये बताना है कि यूनिट डिजिट का स्केयर रूट क्या होगा, मतलब अपोजिट जिसके लास्ट में 1 हो। अब देखो यहाँ पे 1 है, इसका स्केयर रूट क्या होगा 9, लास्ट में 1 है इसका स्केयर रूट क्या होगा 1, क्योंकि इसके भी लास्ट में क्या है 1, तो इसके क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में लास्ट में जो आपकी यूनिट डिजिट है वो 6 दे रखी है। अब 6 देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 16 का आ रहा है 4 एक, और एक 36 का आ रहा है 6, तो मतलब जिसके लास्ट में अगर 6 होगा तो उसका स्केयर रूट क्या होगा यूनिट डिजिट का, या तो 4 होगा या फिर 6 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट में क्या है यूनिट डिजिट 1 है, 1 किसका आ रहा है, या तो 1 का स्केयर रूट होगा या फिर लास्ट में 81 जो किसका होता है 9 का, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है 1 और 9। अब यहाँ पे क्या है 5 तो सिर्फ 25 मतलब 5 का ही आ सकता है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा।
उसने यही पूछा था कि किधर स्केयर रूट, स्केयर रूट क्या होता है, स्केयर का उल्टा। तो आपको ये पता होने चाहिए, इसके अपोजिट देख लो, वन किसका आ रहा है, वन का, जिस पे वन आता है लास्ट में, ये नाइन का। अगर सिक्स वाला पूछा जाए तो सिक्स, सिक्सटीन और थर्टी सिक्स किस किसके होते हैं, ये फोर और सिक्स का, ठीक है। और अगर नाइन पूछा जाए तो वो किसका होता है, थ्री और सेवन का, सिर्फ यूनिट डिजिट की जब बात की जाए। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली आर नॉट परफेक्ट स्केयर। बिना कैलकुलेट किए, कैलकुलेशन किए हमें ये चेक करना है, श्योरली ये बताना है कि ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं। मैंने आपको ये पहले भी 6.1 में करवाया है, जब भी आपको हमें विदाउट कैलकुलेशन देखना हो तो यूनिट डिजिट देखते हैं। अगर आपकी यूनिट डिजिट में 3, 7, 2, 3, 7 और 8 आ जाता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्केयर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने अभी भी, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी कराया, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25 एंड 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49 एंड 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81 एंड 10 का स्केयर 100, ठीक है। जिसकी यूनिट डिजिट या तो 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो या फिर इवन 0 हो, सिर्फ वही क्या होते हैं आपके, परफेक्ट स्केयर होते हैं। इनके अलावा यूनिट डिजिट अगर कोई और आ जाती है तो वो कभी भी परफेक्ट स्केयर नहीं होता। अब देखो जो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसकी यूनिट डिजिट क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, तो 153 इज नॉट द परफेक्ट स्केयर बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 3, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई है, 3 आ गई, और वो कभी भी परफेक्ट स्केयर नहीं होता। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए तो आपको सभी क्वेश्चन इजी रहेंगे सोल्व करने। अब यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में, इनमें से कोई भी नहीं है ना, 7 यहाँ पे है किसी की यूनिट डिजिट नहीं है, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 7, मतलब जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वो कभी भी परफेक्ट स्केयर नहीं होगा आपका। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है, 8 आ गया, ठीक है। अब देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 1, तो ये आपका क्या है, परफेक्ट स्केयर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, फाइंड द स्केयर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपको 100 का और 169 का क्या निकालना है, स्केयर रूट निकालना है, कौन से मेथड से, मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन से क्लियर है, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और इसके अंदर किसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिसका भी आपको स्केयर रूट निकालना है उसमें से आपको ओड नंबर माइनस करने हैं, और तब तक माइनस करना है जब तक आपका एंडिंग में क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल पे डिवाइड नहीं होते, कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो जिसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसमें से क्या करना है, ओड नंबर माइनस करते रहने, और तब तक माइनस करते रहना है जब तक आपका आंसर क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए, ठीक है। अब देखो ध्यान से किस टाइप से करेंगे, कौन से मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। निकालना किसका है, 100 का, तो पहले आप 100 में से क्या माइनस करोगे, 1। 100 में से 1 माइनस किया, क्या रह गया, 99, ठीक है। फिर 99, 1 के बाद क्या होता है ओड नंबर, 3, तो 99 में से 3 माइनस करोगे, क्या रह जाएगा, 96, ठीक है। 1, 3, फिर 3 के बाद क्या आता है, 5, तो 96 में से 5 माइनस किया, कितना आ जाएगा, 91, ठीक है। और फिर 91 में से पहले 1 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, 5 माइनस किया, अब क्या माइनस करेंगे, 7। अब 91 में से 7 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 84, ठीक है। फिर 84 में से क्या माइनस करेंगे, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और अब 9। अब 9 माइनस किया तो 14 में से 9 गया, क्या रह जाएगा आपका, 5, और यहाँ पे क्या आ गया, 75। अब क्या माइनस करोगे, 75 में से पहले 9 माइनस किया, 9 के बाद अब क्या होता है ओड नंबर, 11। अब 11 इसमें से माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा, 64, ठीक है। अब 64 में से क्या माइनस करोगे, 13। अब 13 माइनस किया तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, 51। अब 51 में से क्या माइनस करोगे, 15। अब 15 माइनस किया तो क्या रह जाएगा, 11 में से 5 गया 6, 4, 4 में 1 गया 3,
ठीक है 36। अब 36 में से क्या माइनस करोगे 17। अब 17 इसमें से माइनस किया तो 16 में से 7 गया, क्या रह गया 9, और 2 में से 1 गया 19। अब 17 के बाद क्या माइनस करोगे 19, तो 19 माइनस 19 क्या आ गया 0 आ गया। जिस भी नंबर का हमें स्क्वेयर रूट निकालना है कौन से मेथड से करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में से, उसमें से क्या माइनस करनी है ओड नंबर माइनस करने है। और ओड नंबर कौन से होते हैं जो 2 की टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, up to 100, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होते हैं ओड नंबर्स होते हैं, और तब तक माइनस करते रहना है जब तक ये क्या नहीं आ जाए जीरो नहीं आ जाए। अब देखो कितनी बार माइनस किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसका मतलब 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ये होता है आपका कौन सा मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही आप सेम किसको करोगे 169 को, पहले क्या माइनस करोगे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, मतलब जब तक माइनस करना है तब तक आपका क्या आंसर नहीं आ जाए जीरो नहीं आ जाए। और फिर काउंट कर लेना आपने कितनी बार माइनस किया, वही इसका क्या हो जाएगा उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वेयर रूट्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने इससे पहले एक मेथड किया था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वो क्या निकालने के लिए किया था स्क्वेयर रूट। अब आपका सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वेयर रूट किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखना। आपका फर्स्ट पार्ट है 729, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस टाइप से करते हैं एलसीएम लेके। सबसे पहले हम चेक करते हैं छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, अभी सबसे पहले 1 है, 1 पे तो और कोई जाता है, 2 से स्टार्ट करना है, अभी पीछे 9 है और 2 क्या है इवन नंबर है तो ये 2 पे नहीं जाएगा, अभी से चेक करना है क्या ये 3 पे जा रहा है तो ये 3 पे जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 चला गया। अब ये आगे फिर से 3 पे जा रहा है, तो जब तक छोटे नंबर पे जा रहा है छोटे से करते जाना है, ये नहीं कि अगर ये 27 पे जा रहा है तो आप इसे पहले 27 पे कर दोगे, फिर लाइन वाइज चलना है, सबसे पहले छोटा नंबर फिर उसके बाद बड़ा नंबर, ऐसे लाइन वाइज, ये नहीं कि पहले आप बड़े से कर रहे हो फिर बाद में छोटे से कर रहे हो, और इसे तब तक आपको डिवाइड करते रहना है जब तक लास्ट में क्या नहीं आ जाता 1 नहीं आ जाता। अब 3 पे जाएगा फिर से, कितने पे जाएगा 8 पे, 3 3 1, अब फिर से 3 पे जाएगा, 3 2 6, और 3 7 21, फिर से 3 पे जाएगा, 3 3 3 9 27, फिर से 3 पे जा रहा है 3, और फिर से 3 पे जा रहा है 1 1, आ गया ना, जब 1 आ गया वहीं पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो गया। अब बनेंगे कैसे इसके फैक्टर, जो आपके इसके फैक्टर आए हैं उसे यहाँ इक्वल में लिख लो, क्या क्या आए हैं मल्टीप्लाई में लिख लो, 3 मल्टीप्लाई 3, कितनी बार 3 है 1 2 3 4 5 6, और इसके पेयर बनाने हैं आपको 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ठीक है, मतलब कंप्लीट पेयर बनने चाहिए, अगर कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा तो वो आपका स्क्वायर रूट है ही नहीं, ठीक है। और जो पेयर है उसका सिंगल लेते हैं सिर्फ, इस पेयर का 1 ले लिया, इस पेयर का 1 ले लिया, और इस पेयर का 1 ले लिया, ये हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया 3 3 3 3 9 9 3 27, तो इसका स्क्वायर रूट आपका क्या आ गया 27 आ गया। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है 400, करें इसे पहले 2 पे जाएगा ये 200, फिर से 2 पे जा रहा है 100, फिर 2 पे जा रहा है 50, फिर 2 पे जा रहा है 25, अब आगे 2 पे नहीं जा रहा, ना ही 3 पे ना ही 4 पे, किस पे जाएगा अब ये 5 पे, 5 फिर से 5 पे 1 आ गया, वहीं पे स्टॉप करना होता है। क्या बने आपके 400 के फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगाना आपको क्योंकि तो हमने पेयर लिया ना तो यहाँ से स्क्वायर रूट लगेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, इसके क्या बन गए ये पेयर बन गया, ये बन गया कंप्लीट पेयर बन गया ना, तो ये क्या आ गया 2 2 और 5, 2 2 4 4 5 20, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया 400 का, ठीक है। ऐसे ही आपका ये वाला पार्ट है 4096, क्या दिया हुआ है, पहले ये किस पे जाएगा 2 पे,
फिर 0, फिर 4 और फिर 8, फिर से 2 पे जा रहा है 1, 0, 2, 4, फिर से 2 पे जा रहा है 5, 1, 2, अभी भी 2 पे जा रहा है, जब तक लास्ट में इवन नंबर है तो वो 2 पे जाएगा ही से, फिर 2 पे जा रहा है 2, 2 ज़ा 4, 2, 5 ज़ा 2, 6 जा, फिर से 2 पे 1, 2, 8, अभी भी 2 पे जा रहा है 64, 2 पे 32, फिर 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4 और 2 पे 2 और फिर 2 पे 1, मतलब कहाँ तक, मतलब सभी के सभी 2 पे गए, जब तक 1 नहीं आता तब तक कटते रहना, तो क्या बन गया 4096 के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 2 कितनी बार आ गया 12 टाइम, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, पेयर बनाएं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3rd, 4th, 5th, 6th, तो पेयर का सिर्फ सिंगल लेते हैं, इसका 2 लेंगे, यहाँ भी 2, इसका भी 2, 2, और लास्ट में इन दोनों का भी 2, तो क्या बन गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, तो ये किस इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 64, ऐसे ही आपका ये वाला पार्ट है, इसमें क्या दे रखा है 529, तो ये आपका 2 पे भी नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, 7 पे, 9 पे, 11, ये सीधा जाएगा आपका 23 पे, 23 से डिवाइड करोगे तो ये 23 ही आएगा, अब आगे फिर से 23 पे जा रहा है, 1 आ गया, किसी भी टेबल पे नहीं जाता 23 से पहले ही, तो इसके क्या बन गए 23 × 23, पेयर बन रहा है कंप्लीट, तो पेयर का सिर्फ हम सिंगल लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 23, ये होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।